डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को चीफ क्रॉप ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, यानी भारत की प्रमुख फसलें। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल पाई जाती है तथा उसका पर्पस क्या है। समझ में आया? आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तथा जिस चीज़ का आंसर आएगा तो उसको आंसर जरूर बताइएगा। समझ में आया? इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, जिससे कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ें, अपने मित्रों को जरूर बताएं, शेयर करें। क्लियर? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्रॉप क्या होता है। क्रॉप को कहा जाता है फसल। क्या कहा जाता है? क्रॉप मीन्स होता है फसल। क्लियर? क्रॉप को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। अब देख लीजिए, जो क्रॉप होता है ये मुख्य रूप से क्या होता है, या तो वार्षिक होता है। हम लोग एक ग्रेन होता है, ग्रेन माने होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। डिफरेंस जान लीजिए क्रॉप और ग्रेन में। क्रॉप क्या होता है? फसल होता है, ये खेत में रहता है, सीजनली होता है, हम इसको बोते हैं। समझ में आया? जैसे गेहूं की फसल, मटर की फसल, आलू की फसल, इस तरह से। लेकिन वही क्या होता है, अनाज क्या होता है, गेहूं, चावल, ये सब जब घर में आ जाते हैं तो जब हम इसको खाते हैं तो ये अनाज होता है। समझ में आया? तो क्रॉप होता क्या है? ये क्रॉप क्या होता है? एनुअली, यानी जो वार्षिक या सीजन के तौर पर प्लांट के रूप में ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए, जिसको पैदा किया जाता है, वही हमारा क्या होता है? क्रॉप होता है। नहीं, क्रॉप इज द एनुअल और सीजन यील्ड ऑफ अ प्लांट। क्रॉप क्या होता है? वार्षिक या सीजन में उत्पन्न किया जाता है प्लांट से, इज ग्रोन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, जो कि जो है विशेष जो है क्या होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा में क्या किया जाता है, काटा जाता है, एज फूड फॉडर। फूड माने भोजन के लिए, फॉडर माने चारे के लिए, और एनी अदर इकोनॉमिक पर्पज या कुछ अन्य जो है व्यवसायिक पर्पज से। समझ में आए? तो क्या होता है, ये फसल होता है, ये सीजनली सीजन के तौर पर यानी ऋतुओं के तौर पर भी हो सकता है या वार्षिक फसल भी हो सकता है, जिसको हम लोग उत्पन्न करते हैं चारे के लिए, भोजन के लिए। फसल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ। हम जानते हैं रबी, खरीफ, जायद। एक होता है रबी हमारे इंडिया में, एक होता है खरीफ, एक होता है जायद, GAYA, रबी, खरीफ, जायद। ये मुख्य रूप से तीन इंडिया में बांटा गया है। लेकिन जो रबी रबी होगा लेकिन ये जो हमारा तीसरा है जायद, हम लोग जो है तीसरे का अध्ययन इस हम अपने इस चैप्टर में नहीं करेंगे, जो लेसन 22 है, तीसरे की जगह हम लोग पढ़ेंगे जो है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप यानी इसे कैश क्रॉप को कहा जाता है नकदी फसल। नकदी फसल फसलें यानी ऐसे फसल जिनको बोने से हमको पैसा प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, जिनका पर्पज ही जो है पैसा कमाना होता है, वही हमारी नकदी फसलों में आता है। समझ में आए? तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों का है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। रबी जो होता है, रबी क्रॉप, इसको जनरली विंटर में यानी ठंडक के सीजन में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और जनरली गर्मी में इसको अप्रैल से जून के बीच काट लिया जाता है। रबी क्रॉप को यानी रबी की फसल को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और गर्मी में जो है अप्रैल से जून के बीच काट लिया जाता है। इन फसल्स में हमारे वीट, बर्ली, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड आते हैं, यानी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब चीज़ें आती हैं। समझ में आए? अगला है हमारा खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल होती है ये प्रायः मानसून सीजन में बोया जाता है, ओके, जो कि प्रायः सितंबर से अक्टूबर तक बोया जाता है। इसको समझ में आए? सॉरी, मानसून सीजन में बोया जाता है, और
मानसून सीजन में हम कह सकते हैं जुलाई से, जैसे जून से लेकर या जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक, ओके जून जून हाँ जून उन में कह सकते हैं, जून जुलाई में, और प्रायः इसको जो है सितंबर से अक्टूबर महीने में प्रायः काट लिया जाता है, नवंबर भी हो सकता है, सितंबर से अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। इसमें जो है राइस है, मेज है, ज्वार है, कॉटन है, मिलेट्स है, ये सब आते हैं, यानी चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सब चीज़ें आती हैं खरीफ की फसल में। खरीफ की फसल को जो है सितंबर से अक्टूबर तक के महीने में काट लिया जाता है, मानसूनी क्रॉप्स होते हैं, मानसून के आने पर इसको बोया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैश क्रॉप, यानी जिसको जिसका बोने का मुख्य मकसद हमारा क्या होता है, पैसा कमाना। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ये क्या होते हैं, ये ईयरली भी हो सकते हैं और सीजनली सीजन वाइज भी हो सकते हैं, यानी सालाना फसल भी होता है और हो सकता है किसी विशेष सीजन का भी हो। ये क्या होता है, इसमें जैसे जूट आ गया, टी आ गया, टी का मतलब चाय है, कॉफी है, कर्डमम है, कर्डमम माने होता है इलायची, कर्डमम है, ये सब चीजें इसमें आती। अब हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करके चैप्टर में टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमको जो है तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से क्या करना है, जो सही रहेगा उसको टिक करना है, तो जिसको आंसर जो पता रहेगा वो बताएगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया इज, व्हीट सबसे ज्यादा यानी गेहूं सबसे ज्यादा भारत में कहां पर उगाया जाता है, कहां पर उगाया जाता है, चलिए बताइए। ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चलिए बताइए। व्हीट पहला है हमारा, व्हीट कहां पर ग्रो किया जाता है, जल्दी बताइए क्या होगा हमारा आंसर, तो ये होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर यानी उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर, समझ में आया, उत्तर प्रदेश। सेकंड है हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा चाय को उत्पन्न करने वाला राज्य, यानी भारत में सबसे ज्यादा चाय कहां पर उत्पन्न किया जाता है, टी कहां पर उत्पन्न किया जाता है। हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, चलिए बताइए जल्दी से। सेकंड टी, क्या है इसका आंसर, तो टी के लिए हमारा जो आंसर है वो असम है, क्या है, ASAM, असम है, क्लियर। थर्ड है हम लोगों का, थर्ड है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा राइस यानी कि चावल उत्पन्न करने वाला राज्य, भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है। ऑप्शन है हमारा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चलिए बताइए जल्दी से। राइस थर्ड है हमारा, राइस, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका क्या होगा, वेस्ट बंगाल, क्या होगा, डब्ल्यू ई एस टी डी ई एन जी ए एल, समझ में आया, वेस्ट बंगाल होगा। अगला हमारा चौथा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन इंडिया इज, सुगर केन माने होता है गन्ना, भारत में सबसे ज्यादा सुगर केन कहाँ होता है, किस स्टेट में। ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, चलिए बताइए चौथा, चौथा क्या होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में, कौन सा, एस यू जी ए आर सी ए एन ई, सुगर केन, चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम लोग यूपी भी बोलते हैं, तो यूपी लिख दिया है, समझ गया है। अब है हमारा पांचवा, देखिए फिफ्थ नंबर पे है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किस स्टेट में उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, चलिए बताइए जल्दी से। कॉफी फिफ्थ है, कॉफी
COFFE कॉफी। तो क्या होगा इसका तमिलनाडु कर्नाटक केरला में से जल्दी से बताइए क्या होगा? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। KARNATKA कर्नाटक। TAKA कर्नाटक। समझ में आया? छठवां है हम लोगों का जो सिक्स है। देखिए द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया इज, भारत में सबसे ज्यादा पल्स यानी कि दाल कहां पर उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए बताइए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में से पल्स, पल्सेज यानी दाल किस नंबर का है? छठवां। छठवां PULSES पल्सेज। तो आंसर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश। MADHYAPRADESH क्लियर? मध्य प्रदेश। सातवां है हमारा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, भारत में सबसे ज्यादा कॉटन कहां उत्पन्न होता है? समझ में आया? कॉटन का मतलब हम रुई समझ सकते हैं। समझ में आया रुई बाद में। तो ऑप्शन है हमारा गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा? कॉटन। सातवां है हमारा कॉटन, COTTON कॉटन। तो इसका क्या होगा? क्या होगा? गुजरात, GUJARAT गुजरात। क्लियर? अब है अगला हमारा सबसे लास्ट और आठवें नंबर पर द स्टेट विथ हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ जूट इज, वो स्टेट यानी स्टेट माने राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर यानी प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किया जाता है। यील्ड माने उत्पादन। भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहां पर सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन होता है। ऑप्शन है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल। चलिए आप लोग पढ़े होंगे बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, जल्दी से बताइए क्या है ये? वेस्ट बंगाल, वेस्ट सॉरी क्या है? जूट, JUTE जूट ना। जूट कहां होता है? वेस्ट बंगाल, WEST वेस्ट, BENGAL वेस्ट बंगाल। क्लियर? इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 22 यानी 22वां चैप्टर चीफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख फसलें समाप्त होती हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और देखकर बताएंगे कि कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले चैप्टर में, तब तक ले थैंक यू। हाँ, यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर भी करें सभी बच्चों के साथ जिससे कि सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें।